सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो यज्ञहर्ता गुरु निर्मल जाको भेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है गुरु तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार ऊंची आवाज में सद्गुरु महाराज की जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के सिरमौर बीसवीं सदी के महान संत अध्यात्म ज्ञान के महाधनी अखिल विश्वब्रह्मांड के नायक काल विहार के संहारक ब्रह्मलीना सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धर्म क्षेत्र में उपस्थित गुरुजन सत्संग प्रेमी सदात्माओं आदरणीय माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, भगवान बुद्ध के वचन में आया है दुख का कारण है और उसका निदान भी। दुख क्या है, दुख हम लोग किनको कहते हैं? पांच ज्ञान इंद्रियां आँख कान नाक जीव और त्वचा, पांचों का अलग अलग विषय। आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, त्वचा का विषय स्पर्श है, जिभ्या का विषय स्वाद है। पांचों इंद्रियों का अलग अलग विषय है। आँख को सुंदर रूप देखने के लिए चाहिए, सुंदर रूप देखने के लिए मिल जाता है तो सुख का अनुभव करते हैं और नहीं मिलता तो दुख का अनुभव करते हैं। यानी पांचों इंद्रिय के अनुकूल मिल गया तो उसमें सुख का एहसास करते हैं, उसी को हम लोग सुख कहते हैं। नहीं मिला तो दुख का एहसास करते, उसी को हम लोग दुख कहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये सुख और दुख शाश्वत नहीं, क्षणिक है। जैसी सस्ती लोह की छिन पानी छिन आग, तैसी सहजू जगत की सुख दुख जीवन छाप। संसार का सुख दुख आने जाने वाला है, शाश्वत दुख हम लोगों के जीवन में लगा हुआ है जन्मना और मरना, आवागमन। ये सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मर जाना। इनका कारण क्या है? हमारे परमाराध गुरुदेव ने कहा मायावद जीव आवागमन की चक्र में पड़ा रहता है, बद्धता की दशा में रहने के कारण बार बार इस संसार में आना पड़ता है। वासना ही जीव को बार बार इस संसार में लाता है और दुख का कारण जन्म ही है। जो ही संसार में आए तो दुख सुख होगा ही। इन दुखों से बचने के लिए, त्राण पाने के लिए महापुरुषों ने कहा कि दुख से निपटने के लिए, बचने के लिए, त्राण पाने के लिए भक्ति ही एक सहारा है। हमारे संत परमाराध गुरुदेव के शिष्य हृदय गोसाई स्वामी जी महाराज ने कहने कृपा की मुक्ति पाने के लिए, दुख से त्राण पाने के लिए, निजात पाने के लिए मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। और युक्ति से अगर भक्ति ना किया तो भविष्य त्राण कहाँ होगा? तो युक्ति जान करके भजन करेंगे तो दुखों से सदा सदा के लिए छूट जाएंगे, बच जाएंगे। अगर इसमें आलस किए तो जन्म जन्मांतर तक पछताना पड़े, इसलिए पछताना और रोना नहीं पड़े। इसलिए सदगुरु से सद्युक्ति जान करके साधन भजन शीघ्रता के साथ करना चाहिए। टाल मटोल नहीं, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के फेर में अवसर जासी चाल। समय का हम आप इंतजार करते हैं, समय हमारा इंतजार नहीं करता है। छम छम पल पल करके हमारा जीवन बीतते जा रहा है, इसलिए जतन के साथ परम आवश्यक समझ करके भजन करते हुए चलना चाहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।